अकेला फील कर रहे हो। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए अकेलापन क्या है? कोई अगर तुम्हारे साथ ना हो वो, या सबके बीच होकर भी तुम अकेला महसूस करते हो, ये सोचकर कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, या फिर किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते। अब वजह चाहे कुछ भी हो, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जितनी कोशिश आज तक तुमने बाहर की चीजों से की है, चाहे वो लोगों में इन्वॉल्व होना हो या नई जगह नई चीजों को एक्सप्लोर करना हो, मतलब तुमने सब कुछ करके देख लिया है, बस ये अकेलापन ही है जो जाता ही नहीं। तो क्यों ना एक बार ये कोशिश भी आजमा कर देखी जाए कि जितने अच्छे दोस्त तुम दूसरों के हो, उतना ही अच्छा दोस्त एक बार खुद का बनकर देखो। वो क्या है ना, हमारे पास सबको सब कुछ देने के लिए होता है, वक्त, एडवाइस, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। पर कमाल है, बात अगर खुद की हो तो हमारे पास खुद को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जब तुम खुद के अच्छे दोस्त बनोगे, तब अकेलापन या डिप्रेशन जैसी चीजों के लिए तुम्हें काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब काउंसलर भी तुम और थेरेपी भी तुम ही होंगे। हर इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ तुम्हें खुद से कनेक्ट होने के लिए मोबाइल फोन या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हारा अपने मन से बातें करना ही काफी है। और यकीन मानो, उस वक्त तुम खुद के साथ अकेले में उतना ही खुश रहोगे जितना कि बाकी सबके साथ। फिर चाहे तुम्हारे आसपास कोई हो या ना हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि तब किसी और की कंपनी से ज्यादा तुम खुद की कंपनी एंजॉय करोगे। इसीलिए अकेले रहने का जो वक्त तुम्हें मिला है, उसे यूं ही जाया मत करो। ये वक्त अपने आप को जानने का, समझने का और अपनी गोल्स को अचीव करने का है। सो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड रिमेंबर, when no one else is there for you, just know you always have yourself.